और आज मैं आपको जो टर्मस के अंदर रिपोजिटरी अंडर मेंटेनेंस का एरर आता है उसको रिपेयर करना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हम टर्मस को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम इसको यहीं से ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन किया हमने इसको। ओपन करने के बाद जब भी हम यहाँ पे कोई भी टाइप कमांड करेंगे, apt अपडेट, तो ये दिखाएगा कि जो हमारी रिपोजिटरी है वो अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए, अभी यहाँ पे दिखा रहा है 502 बैड गेटवे। मैं आज आपको दो तरीके से इसको हल करना सिखाऊंगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ से अपने दूसरे वाईफाई को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है रिपोजिटरी इज अंडर मेंटेनेंस और डाउन। तो इसको हम दो तरीके से वो कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पहले हम इसको क्लियर लिखकर क्लियर कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है, टर्मेक्स चेंज रेपो। जैसे हम टाइप करेंगे आपके सामने ये तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, आपने थर्ड वाले को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाले को अनसेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये देखिए, यहाँ पे पाँच मिरर्स आ रहे हैं। आप इसमें से कोई भी मिरर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अगर तो यहाँ से ये ओके हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये भी अभी भी दिखा रहा है कि रिपोजिटरी इज़ अंडर मेंटेनेंस और डाउन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से देखिए, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद हम अपने क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ से लिखेंगे हम टर्मेक्स डाउनलोड apk। ठीक है, जैसे ही हम करेंगे, पहला लिंक जो आपको दिख रहा है टर्मेक्स एफ्ट्रॉइड का, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, नीचे नीचे आ जाना, डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आपने डाउनलोड एफ्ट्रॉइड को नहीं करना क्लिक। आपने ये देखिए, डाउनलोड apk आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड्स में जाके यहाँ से इसको क्लिक किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। इसके दो बेनिफिट होंगे यहाँ से डाउनलोड करने के। एक तो जो ये है, मतलब कि एक लेटेस्ट वर्जन होगा, और दूसरा इसके अंदर जो भी फेरबदल हुआ होंगे वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इंस्टॉल हो चुका है apt अपडेट डबल एंड apt अपग्रेड -y। अब चेक करते हैं कि रिपोजिटरी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखिए, इसमें रिपोजिटरी I don't ever slow up, no I don't change, I got no love for the fakeness, if you wanna